हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर LXi वेरिएंट। ये फेस लिफ्टेड वेरिएंट है। इससे पहले दो वेरिएंट्स और आते थे, फोर्थ जनरेशन और सेकंड जनरेशन। ये सेकंड जनरेशन फेस लिफ्ट वेरिएंट है। इसमें और चार वेरिएंट्स आते हैं आपके, LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस। ZXi प्लस इसका टॉप एंड वेरिएंट है। ये LXi है जो कि सबसे बेस्ट वेरिएंट इस गाड़ी का। आज हम इस गाड़ी के सारे फीचर्स की बात करेंगे, स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात करेंगे, क्या क्या इसमें मिल जाता है। इसके अंदर आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है 1.2 लीटर का, जो कि 90 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 130 Nm की टॉप स्पीड यूज़ कर देता है। ये इंडिया की सबसे सस्ती सेडान गाड़ी है। इससे सस्ती भी गाड़ी कोई नहीं आती, और सबसे टॉप सेलिंग गाड़ियों में आती है हमेशा, हर मंथ में टॉप 10 कार्स में आती है सेलिंग के मामले में। इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी, 23 KMPL की एवरेज निकाल देती है गाड़ी, और 5 लाख से आसपास स्टार्टिंग हो जाती है। 8 लाख तक इसका टॉप एंड वेरिएंट के आसपास मिल जाता है आपको। ये इसका फ्रंट लुक है, काफ़ी अच्छा है देखने में प्रीवियस वेरिएंट से। पहले ग्रिल अलग अलग आती थी, फेसलिफ्ट में ग्रिल एक साथ जोड़ दी गई है। इसमें आपको सिल्वर फिनिश मिल जाता है, मैट ब्लैक के साथ सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। इसके ऊपर ZXi वगैरह वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे क्रोम मिल जाता है। VXi से और ZXi प्लस तक इसमें आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है AGS। यहाँ इसकी सेम लाइट मिलती है ये ZXi तक हेलोजन बल्ब के साथ, और यहाँ नीचे आपको फॉग लैंप की हाउसिंग मिल जाती है विद सिल्वर ट्रीटमेंट, जिसके अंदर आप फॉग लैंप्स लगवा सकते हो कंपनी से या बाहर से। यहाँ आपको 2 वाइपर मिल जाते हैं प्लस 2 वॉशर्स मिल जाते हैं, जो कि डिसेंट स्पीड प्रोवाइड कर देता है गाड़ी को। गाड़ी 100 के आसपास की अच्छी खास स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है आपको हाई स्पीड पे। साइड में इसका कुछ ऐसा लुक है। डायमेंशंस की बात करें तो 3.9 मीटर की लेंथ है, 1.7 मीटर की हाइट है, 1.5 मीटर की विड्थ है, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इस गाड़ी में आपको। और ये इसके 14 इंच के स्टील रिम व्हील्स हैं, जिसमें आपको व्हील कैप नहीं मिलती। इसके ऊपर जाओगे टॉप एंड वेरिएंट में तो आपको अलॉयज वगैरह प्रोवाइड करती कंपनी। यहाँ इसका फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, ORVMs पे वो नहीं, आपको ब्लैक कलर के ORVMs मिल जाते हैं मैट फिनिश में ही। इसके ऊपर वाले इवेंट्स में जाओगे तो वो ऑटो एडजस्टेबल ऑटो फोल्डेबल मिल जाते हैं विद इंडिकेटर्स, आपको ORVMs मिल जाएंगे अपर इवेंट्स में। ये आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा अपना। और बात करें इसके डोर हैंडल्स की, तो वो भी आपको मैट फिनिश में मिलते हैं, मैट ब्लैक कलर में। इसके अपर इवेंट्स में वो क्रोम में मिल जाते हैं, और बॉडी कलर भी मिल जाते हैं। AB और C वाले आपको वाइट कलर में मिलेगा इस गाड़ी का, सिंगल उसमें कलर में आती है गाड़ी। अगर आप फुल बॉडी देखोगे तो सिंगल कलर की है। इसमें 5 कलर्स ऑप्शंस और भी हैं, जो कि आप अपने सर्विस सेंटर पर आपके ऑथराइज डीलर पर जाके देख सकते हैं। पीछे की टेल लैंप्स कुछ ऐसी हैं, जिसमें आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं ब्रेक वगैरह के लिए, इंडिकेटर वगैरह के लिए। पीछे 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर के लिए। यहाँ एक क्रोम की लाइन मिल जाती है, सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे, और डिज़ायर की लेटरिंग मिल जाती है यहाँ पे। पीछे आपको कोई वाइपर वॉशर नहीं मिलता। यहाँ पे आपको एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, प्लस एक एंटीना मिल जाता है इसके ऊपर। पीछे से देखने में कुछ ऐसी है गाड़ी, काफ़ी अच्छी देखने में लगती है, काफ़ी अच्छी बिकती भी है गाड़ी। बूट की बात करें तो बूट इसमें आपको काफ़ी अच्छे खासा साइज़ का मिल जाता है, जिसमें आप अपनी फैमिली वगैरह के साथ जाओगे तो आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो। CNG के साथ भी काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है इस गाड़ी की। इसके नीचे आपको उसका स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि सेम साइज़ का ही है। अगर आप इसका अपर वेरिएंट्स लोगे तो उसमें आपको एक साइज़ अप मिल जाएगा व्हील साइड्स में, और रिम वगैरह सेम साइज़ का रहता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से इसके फ्यूल वगैरह भरने की लिड दे रखी है लेफ्ट साइड से, इसमें आप फ्यूल वगैरह भर सकते हो। पेट्रोल में वेरिएंट्स अवेलेबल, इसके डीजल अब नहीं आता इस गाड़ी में, और ऐसी कुछ दिखती है साइड से गाड़ी। इस गाड़ी की फीचर्स की बात करें तो ABS, EBD, चाइल्ड सेफ्टी वगैरह के अंदर बहुत काफ़ी अच्छी है गाड़ी। हालांकि इसको एनकैप में शायद 2 स्टार मिले हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है ये, फैमिली पर्पस गाड़ी है। इसको डेली यूज़ के लिए भी आप काफ़ी अच्छी खासी यूज़ कर सकते हो। बोनट्स पर थोड़ी बहुत क्रीज लाइंस आपको मिल जाती हैं, जो कि आपको हाई स्पीड में थोड़ी सी एयर कटिंग में हेल्प करती हैं। इस गाड़ी की जो इसके अंदर आपको ABS, EBD के अलावा आपको हाई स्पीड अलर्ट मिल जाता है, इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है, सीट बेल्ट अलर्ट मिल जाता है, हाई स्पीड रिमाइंडर मिल जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स मिल जाती हैं। कलर्स की बात करें तो इसमें वाइट कलर आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक ब्राउन कलर मिलता है, प्रीमियम सिल्वर कलर मिलता है, एक ब्लू कलर भी मिलता है, और एक आधा कलर और है जो कि मेरे को ठीक से नाम याद नहीं आ रहा, वो आप अपने डीलर पर जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आपको इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं इस गाड़ी में, तो एक एक करके उनकी बात करेंगे, और फिर बताऊँगा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है या नहीं है। ये इसका ड्राइवर साइड डोर है, जो कि आपको पीच कलर या वाइट कलर में कह सकते हो, या पीच कलर भी कह सकते हो। यहाँ इसका डोर हैंडल है, मैनुअल मिरर विंडो ओपनिंग का ऑप्शन मिलता है इसमें आपको। यहाँ थोड़ा सा बॉटल होल्डर की जगह मिल जाती है, प्लस नीचे स्पीकर की पोजीशन मिल जाती है, और ट्विटर्स के ऊपर है थोड़ी सी ऑरियंस के साइड में। ये इसका इंटीरियर है, जो कि रिक्लाइनेबल सीट है यहाँ पे आपकी, जिसको आप रिक्लाइन कर सकते हो और आगे पीछे मूव कर सकते हो।
इसके अलावा यहाँ नीचे दो लिड्स हैं जिससे आप फ्यूल वगैरह कैप ओपन कर सकते हो, बोट ओपन कर सकते हो। यहाँ आपको तीन पेडल मिल जाते हैं और बोट नट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आपको फैब्रिक की सीट्स मिल जाती हैं, अपोस्ट्रोफी काफ़ी अच्छी है इसमें, आपको वाइट कलर में मिलती है कंपनी के थ्रू, और डिस्कम्फर्ट कंफर्टेबल सीट्स है, लंबर सपोर्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी में। लॉन्ग ड्राइव वगैरह के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ इसके AC वेंट्स हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। नीचे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है और हेड लाइट लेवलर आगे का। 3-spoke स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में मिलता है आपको विथ डुअल एयरबैग्स और 4 पार्किंग सेंसर्स, ये इसकी की है। मैनुअल की मिलती है इसमें आपको, कोई सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती इस वेरियंट में आपको। ये इसका सिंपल सा ओडोमीटर है जिसमें आपको 200 तक मार्किंग मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आपको अलर्ट्स वगैरह की लाइट्स मिल जाती हैं और इसमें आपको नीचे एक MID मिल जाती है जिसमें आपको रेंज वगैरह बता देगा, फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह बता देगा और भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है जैसे हैंड ब्रेक वगैरह की या लो फ्यूल वगैरह की। अगर बात करें इस गाड़ी के अंदर तो 5 गियर्स आते हैं और 5 डोर्स आते हैं। आप आराम से इस गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं विदाउट एनी इशू। मारुति का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इस गाड़ी में। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स अपर वेरिएंट्स में आते हैं, इस वेरिएंट में आपको कोई स्टीरियो वगैरह नहीं मिलता। यहाँ इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं जिसमें आप ऑन ऑफ कर सकते हो हाई बीम वगैरह। यहाँ इसके वाइपर कंट्रोल्स हैं जिसका आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ा सा सिल्वर ट्रीटमेंट ही किया हुआ है बीच वाले ACs के पास। यहाँ पर डुअल डिन स्टीरियो टाइप आ सकता है, कंपनी से लगवाओगे तो टच वगैरह भी मिल सकता है आपको। यहाँ इसका 4-speed मैनुअल AC मिल जाता है। नीचे 12-volt का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है प्लस एक हाउसिंग मिल जाती है अगर आप ऑक्स वगैरह जैसे आपके अपर वेंट्स मिल जाते हों तो। यहाँ डुअल कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको इसका गियर नॉब मिल जाता है, गियर हैंडल, और यहाँ इसकी हैंड ब्रेक है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। नीचे फ़ोन रखने की थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। बात करते हैं इसके को ड्राइवर साइड पे तो यहाँ पे आपको एक एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। इसके नीचे यहाँ थोड़ी सी स्पेस वैसे मिल जाती है पर अभी इस वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलती है। और इसके यहाँ पे ग्लोव बॉक्स है जो कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक साइज़ का, इसमें आपकी कार के पेपर्स वगैरह आ जाएंगे। सेम डोर आपको को ड्राइवर साइड में मिलता है। मैनुअल विंडो कंट्रोल्स, मैनुअल लॉक अनलॉक, इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग ऑप्शन नहीं मिलता इस गाड़ी में। यहाँ आपको 4 हैंडल्स मिल जाते हैं, 3 हैंडल्स मिलते हैं सॉरी, ड्राइवर साइड पे नहीं मिलता। ये इसका सन वाइज़र है जिसमें कोई वैनिटी मिरर नहीं आता। ये इसका मैनुअल ORVM मिरर है जिसका मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो अपने हाथ पे। और यहाँ आपको टिकट होल्डर मिल जाता है जो कि आप टोल वगैरह पर टिकट होल्ड कर सकते हो। और फ्रेंड्स रेयर डोर की तरफ चलते हैं और देखते हैं रेयर सीट में क्या क्या आपको प्रोवाइड करती है कंपनी। तो अभी मैंने इसका रेयर डोर ओपन कर दिया है और इसमें आप देख सकते हो नॉर्मल वाइट सेम जो इनका वो इंटीरियर वो इधर है आगे की साइड से, वैसे सेम पीछे की साइड है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी डोर पॉकेट्स मिल जाती हैं, 1 लीटर की बोतल आपकी आ जाएगी। स्पीकर के कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। एंट्री के लिए काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है सर, बीच में कोई हम्प नहीं है जिस वजह से आप 5 लोग आराम से बैठा सकते हैं। रेयर में कोई AC वेंट्स भी नहीं है इस वाले में, हालाँकि लेगरूम काफ़ी अच्छा है और हेडरूम भी काफ़ी एडिक्वेट है। इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते ना फ्रंट में ना रेयर में जो कि थोड़ा डाउन पॉइंट है। अगर देखोगे तो वाइट कलर की रूफ मिल जाती है आपको, 4 सीट बेल्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। पीछे बीच में बॉटल होल्डर है जिसमें आप बॉटल वगैरह कप वगैरह रख सकते हो एयर पैसेंजर्स के लिए। तो यहाँ पे भी सेम आपको एक डोर हैंडल मिल जाता है और विंडो ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है, एक डोर पॉकेट और 2 स्पीकर के ऑप्शन पीछे मिल जाते हैं। यहाँ इसकी पार्शियल ट्रिम मिल जाती है, 60-40 का स्प्लिट है इस गाड़ी में सीट्स में, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको पीछे की साइड एक रीडिंग लैम्प मिल जाता है विद हैलोजन बल्ब और आगे की साइड में मिल जाता है आपको ड्राइवर साइड पे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पीछे से देखने में कुछ ऐसा इंटीरियर दिखता है आपको, काफ़ी अच्छा है देखने में। कलर कॉम्बिनेशन इस गाड़ी में सेम स्विफ्ट में भी आता है पर स्विफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस गाड़ी की अगर एक शोरूम प्राइस की बात करें तो आपको 5.89 लाख की मिल जाती है एक शोरूम, और ऑन रोड प्राइस आप अपनी नियरेस्ट डीलरशिप पर जाकर देख सकते हैं। इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट VXi है। और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से कोई बिना किसी झिझक के। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए मैं रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।